इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बेतिया से आ रही है, जहां दिन दहाड़े अपराधियों ने बैंक डकैती की घटना को अंजाम दिया है। बेतिया के बैरिया थाना क्षेत्र के टोला मलाही स्थित SBI बैंक में दिन दहाड़े हथियार से लैस अपराधियों ने बैंक डकैती की घटना को अंजाम दिया। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। अपराधी दिन दहाड़े हथियार के बल पर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। घटना दोपहर करीब 11 बजे का है। बैंक अपने दैनिक कार्य की भांति चल रहा था, इसी दौरान करीब आधा दर्जन की संख्या में आए अपराधियों ने बैंक में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके बाद बैंक के मैनेजर सहित अन्य कर्मियों को मारना पीटना शुरू कर दिया। बैंक के CCTV रिकॉर्डिंग सिस्टम को भी अपराध कर्मियों ने नष्ट कर दिया है, जिसके बाद अपराध कर्मी बैंक में डकैती कर श्रीनगर थाना क्षेत्र की ओर फरार हो गए। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं घटनास्थल पर कई थानों की पुलिस लगातार कैंप कर रही है। घटनास्थल पर बेतिया पुलिस अधीक्षक उपेंद्र नाथ वर्मा, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर परिमल मुकुल पांडे लगातार नजर बनाए हुए हैं। मामले की जानकारी देते हुए बेतिया पुलिस अधीक्षक उपेंद्र नाथ वर्मा ने बताया कि आधा दर्जन की संख्या में अपराधियों ने बैंक डकैती की घटना को अंजाम दिया है, जिसके साथ ही बैंक कर्मियों के साथ मारपीट भी की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, जल्द ही इस डकैती के घटना का उद्भेदन कर लिया जाएगा। वहीं इस घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। एक्चुअली ये एक बैंक डकैती की घटना है, जिसमें अभी बैंक मैनेजर और यहाँ के सारे जो एम्प्लॉई हैं उनका बयान भी लिया गया है। और लगभग अंदर जो बता रहे हैं कि 6 की संख्या में थे, और मैं भी हो सकता है कि बाहर भी रहे होंगे। तो हम लोग अन्य चीज़ों को भी देख रहे हैं, आसपास कोई CCTV फुटेज या अन्य चीज़ें जो भी मिले, जिससे क्लियर हो सके कितने लोग थे, और साथ ही साथ जो कितने अमाउंट का डकैती हुआ है वो भी हम लोग देख रहे हैं। चूँकि अभी बैंक मैनेजर के द्वारा रफली बताया गया है कि रफली 10 लाख के आसपास हुआ है, मे भी हो सकता है 1-2 लाख इधर उधर भी हो, ये लोग काउंट कर रहे हैं। उसके बाद पहले भी सर CSP लूट हुई थी, 7 दिन पहले सर 1 लाख रुपए का सर लूट हुई थी। हाँ मालूम है। हाँ हाँ, इससे अभी ये और ये दोनों घटना को एक साथ और या अलग अलग दोनों एंगल पे हम लोग देख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली जो चीज़ें छन के आएगी या जो चीज़ें जिसके जो सबूत आएगी ये उसके आधार पे कार्रवाई की जाएगी। सर बैंक में गार्ड भी नहीं है सर? हाँ बैंक में गार्ड नहीं, आए दिन नहीं होता है ये अनावश्यक कभी कभी। हाँ टोटल कितना, 4 खोखा बरामद, 4 खोखा बरामद हुआ है, 2 बाहर से और 1 आगे से और 1 अंदर से, तो 4 खोखा।